याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। लड़के ज्यादा धोखेबाज होते हैं या लड़कियाँ? अभी मेरे मतलब को मिला ही नहीं है। अभी भी नहीं मिला? नहीं, सच्चा प्यार नहीं मिला। लड़कियाँ सबसे ज्यादा झूठ कौन सा बोलती हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सोनिया। क्या नाम है? मलिक सोनिया। और आपका क्या नाम? मरियम। क्या रिश्ता दोनों का? भांजी और भाई, भांजी और खाला। आप खाला? जी जी हाँ। वो भांजी? वो भांजी है। क्या करती हैं? बस हम शॉपिंग करने आए हैं। अभी यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। वैसे क्या करती हैं? वैसे घर में हाउसवाइफ। हाँ जी। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हो? 8th class में हूँ। 8th class में अभी हुई हो या पेपर्स दे दिए? पेपर्स दे दिए। इसके अलावा क्या करती हो? इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे ये बताएं कि लड़के ज़्यादा धोखेबाज होते हैं या लड़कियाँ? दोनों। कैसे कह सकती हैं? मैं कह सकती हूँ, इतने लड़के भी नहीं हो सकते हैं। लड़के भी अच्छे मतलब कोई अच्छे भी होते हैं, ये नहीं कि सारे ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो लड़कियाँ भी बेवफाई करती हैं, लड़के भी करते हैं। आपके खुद के कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मैरिड है? जी जी। बच्चे मैरिड है? नहीं, बच्चे नहीं। ये भांजी साथ आई है, मैंने इसलिए पूछा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या शॉपिंग किया यहाँ से अभी? अभी तो करनी है, अभी की नहीं है। अभी स्टार्ट? जी जी हाँ जी। और आप इसके अलावा क्या करती हो? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ अभी। और स्टडी पढ़ाई में अच्छी, मतलब कि 8th class में गई हो, स्टडी अच्छी लग रही है? नहीं लग रही है। मस्ती पढ़ रही हो या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। शौक है पढ़ने का? हाँ जी। क्या सुना सकती हैं ऑडियंस को? कोई सॉन्ग, पोइट्री? क्या सुना सकती? आप क्या सुना सकती हैं? चलें सुनाएं। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिस दे तेरी मेरी ये जान ले जाएगी। याद तेरी आएगी। वैसे किसके लिए डेडिकेट किया? किसको सुनाया है? खुद के लिए? खुद के लिए, खुद के लिए। या हस्बैंड? हस्बैंड मेरा नहीं है। हस्बैंड नहीं है? क्या छोड़ चुके? हाँ जी। अच्छा चलें भैया, इसको हम पूछते ही नहीं है। और क्या करती हैं इसके अलावा? लाहौर में रहती हैं, अम्मी के पास कहाँ पे? लाहौर नहीं, मम्मा वो तो ये लाहौर में रहती है वैसे। हाँ जी, लाहौर में अकेली। हमारा शादी नहीं? नहीं। क्यों? अभी मेरे मतलब को मिला ही नहीं है। अभी भी नहीं मिला? पहला सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं, सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं जी, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल। अनमोल क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अमाना मॉल में क्या करने आई? शॉपिंग करने आई हूँ। किसके साथ? ये मेरे कज़न हैं, इनके साथ आई हूँ। तो मैरिड? नहीं नहीं, अनमैरिड। अच्छा, कज़न फ्रेंड? जी फ्रेंड। या फियांस? नहीं फ्रेंड है। तो एंगेज्ड है? नहीं नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताएं कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा झूठ कौन सा बोलती हैं? लड़कियाँ सबसे ज़्यादा झूठ किसके साथ? लड़के के साथ के लड़कों के साथ? लड़कों के साथ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसके अलावा? इसके अलावा कि यही मोस्टली कहती हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूँगी। करती हैं? नहीं, ये तो लड़कों की लक चलती है। इसने कभी किया ऐसा? मैंने नहीं, मैंने शादी के दावे नहीं कभी किसी से किए, लेकिन मेरी लाइफ में कोई इतना मेरा खास फ्रेंड भी नहीं है। कभी किसी के साथ लॉयल रही है, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप रही है? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा है। क्या मैसेज है उसके लिए? वो जहाँ भी है खुश रहे, लेकिन आजकल हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तो जिनके साथ आप आई हुई ये आपके कज़न? हाँ जी, ये मेरे कज़न। ये आना चाहेंगे? नहीं, ये नहीं आना चाहेंगे, एक्चुअली ये थोड़े नैरो माइंडेड हैं, तो इसलिए। आप उनके साथ यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं एक्चुअली आना था शॉपिंग करने, और मेरे साथ कोई आने वाला नहीं था क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स बिजी थी, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो फिर फैमिली किधर है? फैमिली मेरी फ़िलहाल फैसलाबाद। क्या हिडन टैलेंट है, क्या सुना सकती हैं? कोई पोइट्री या सॉन्ग? मैं आपको पोइट्री तो नहीं मैं लाइक करती, लेकिन सॉन्ग मुझे आते हैं, लेकिन मुझे सुनाया नहीं जाएगा मुझे। क्यों? आवाज़ भी अच्छी? आवाज़ नहीं अच्छी मेरी। आपको लग रहा है शायद हमारी ऑडियंस को पसंद आ जाए आवाज़? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? पब्लिक के लिए यही है कि आपकी लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, इसको इंजॉय करें, खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, बस
अपनों से प्यार करें और बस। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।